इतनी बजे खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला। राहुल द्रविड़ ने घोषित की भारतीय टीम की प्लेइंग 11। केएल राहुल सहित 3 खिलाड़ी हुए टीम से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कितनी बजे खेला जाएगा, इस मुकाबले का आयोजन कौन से स्टेडियम में होने वाला है। साथ ही हम जानेंगे कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां पर होने वाला है। राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रखी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो, और अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया इस सीरीज को जीत कर अपने नाम पर करे, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम पूरे विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 16 फरवरी 2022 को खेले जाने वाला है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम को 7 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण हॉटस्टार नेटवर्क और जियो टीवी पर होने वाला है। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज में भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल चोट के चलते हुए बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल भी इस टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। वहीं पर केएल राहुल की जगह पर अब उपकप्तानी की जिम्मेदारी विकेट कीपर ऋषभ पंत को सौंपी गई है। वहीं पर ऐसे में इन खिलाड़ियों की जगह पर कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसे में हम पूरे विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं रोहित शर्मा। वहीं पर टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी अब केएल राहुल की जगह पर ऋषभ पंत के हाथों में होने वाली है। वहीं पर बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया के पास विराट कोहली, कुलदीप यादव, दीपक हुड्डा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। वहीं पर ऑलराउंडर में भी भारतीय टीम के पास वेंकटेश अय्यर, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जैसे खतरनाक ऑलराउंडर भारतीय टीम के पास मौजूद है। वहीं पर गेंदबाजी में भी रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी टीम के पास मौजूद है। ऐसे में इस सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 राहुल द्रविड़ ने क्या रखी है, पूरे विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले टी20 मैच में भारतीय टीम की ओपनिंग पेयर में हमें दिखने वाले हैं रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़। वहीं पर नंबर 3 पर हमें खेलते हुए दिखने वाले हैं विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली। का परफॉर्मेंस ओडीआई सीरीज में इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब तक के आंकड़ों में विराट कोहली का परफॉर्मेंस टी20 सीरीज में काफ़ी शानदार देखने को मिला है। ऐसे में विराट कोहली से उम्मीद रहेगी कि ये भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। वहीं पर हमें नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे सूर्यकुमार यादव। तो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखने वाले हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को भारतीय टीम ने उपकप्तानी की भी जिम्मेदारी भी सौंपी है। ऐसे में ऋषभ पंत से उम्मीद होगी कि वह टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं पर हमें नंबर 6 पर खेलते हुए दिखने वाले हैं दीपक हुड्डा। तो नंबर 7 पर खेलते हुए दिखेंगे वेंकटेश अय्यर। तो वहीं पर हमें भारतीय टीम की तरफ से नंबर 8 पर खेलते हुए दिखने वाले हैं शार्दुल ठाकुर। तो नंबर 9 पर खेलते हुए दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार। वहीं पर हमें 10वें खिलाड़ी के रूप में नंबर 10 पर खेलते हुए दिखने वाले हैं मोहम्मद सिराज। तो वहीं पर 11वें खिलाड़ी के रूप में हमें नंबर 11 पर खेलते हुए दिखेंगे युजवेंद्र चहल। तो कुछ इस प्रकार से होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम वेस्टइंडीज की टीम को हरा पाएगी, हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।